चार्जर की, मोबाइल चार्जर की केबल रखनी है। अस्सलाम वालेकुम हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं वजाहत और आज फिर से हम गाड़ी की तलाश में जा रहे हैं। मैं रेडी होके निकल चुका हूं घर से और अगेन 11 बजे का ही टाइम रखा है और अभी मुश्तबा भाई को एक लोकेशन पे मैंने बुलाया है, वो अपनी रिबॉन में ही आ रहे हैं। मैंने तो कहा कि आप ना ही आए रिबॉन पे, मैं कोशिश करता हूँ कि खुद ही आ जाऊँ आगे तक, लेकिन वो इंसिस्ट कर रहे थे तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, आ जाए कोई मसला नहीं है, ज़्यादा अच्छी बात है। हम आपको थोड़े से उसके रैप भी सुना देंगे, रैप सुनाएंगे इस पर, मैं आपको ड्राइव करके नहीं दिखाऊंगा। बाकी ये है कि इंशाल्लाह फिर से लिस्ट शॉर्ट डाउन कर ली है। इस बार हमने थोड़ा जो वीगो को है हमने थोड़ा साइड पे कर दिया, क्योंकि कोई साफ गाड़ी नहीं मिल रही, कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो दिल लगे ना, एक वैसी गाड़ी लेनी है थोड़ी सी दिल भी लगे कि बिल्कुल ये ना हो कि भाई सर पे बर्डन आ जाए। और कल्टस पे ही निकल चुका हूँ, चार्जर मैंने लिया वैसे तो, और गोप्रो मेरा होता है यहाँ पे लगाने के लिए, अभी तक मैंने लगाया नहीं है। कल्टस में जो है ना फ्यूल भी एंड हो चुका है, फ्यूल की लाइट आ चुकी है, वैसे तो ये तकरीबन 100 किलोमीटर तो चल जाएगी इससे, लेकिन स्टिल हम अपने जो है ना एक जिम्मेदार पर्सन होने की नीयत से पेट्रोल डलवा लेंगे, लेकिन अभी जाके आगे से डलवाऊंगा जहाँ से मुश्तबा भाई को मैंने रिसीव करना है। एड्स की जहाँ तक बात है तो कॉल शॉल्स अभी किसी को नहीं की, हम जब मिलते हैं साथ बैठ के ही फिर उसी वक्त कॉल करते हैं, जो अवेलेबल होता है उसको जाके विजिट कर लेते हैं। अच्छा, वो जो एक वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि आई सोल्ड माई सिटी, तो उसमें थोड़ी आवाज़ का था, आवाज़ का अगर इशू हो तो काइंडली थोड़ा सा कम्प्रोमाइज़ कर लिया करें, क्योंकि मैं जब एडिट कर रहा था उस वक्त मुझे इतना अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन मैं जब डाल दी तो पता चला कुछ भाइयों ने कमेंट किया कि यार आवाज़ थोड़ी कम है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आवाज़ का मैं ख्याल रखूँ। 11 का टाइम है लेकिन स्टिल जो है रोड्स पे रश है, वैसे ज़्यादातर इस्लामाबाद में जो है वो सुबह 8 से 9 ज़्यादा रश होता है, या 1 बजे 1 से 2 बजे का टाइम हो, या ये जो छुट्टी के टाइम है, या 5 बजे 6 बजे जो है ना इंतहा, 5-6 बजे तो इंतहा का रश होता है ना। ऑलमोस्ट मैं लोकेशन पे पहुंच गया, मुश्तबा भाई को देखने हैं किधर खड़े हैं, रिबॉन उनकी नजर आ जाएगी दूर से ही, जानी पहचानी है पूछा नहीं है मैंने अभी तक पहुंच गए करें। मुश्तबा भाई वेट कर रहा हूँ, पहुंचे नहीं है वो, कहीं रुक गए थे, तो 8-10 मिनट में पहुंचेंगे, तो उतने तक वेट करता हूँ। हर कहीं जनाब धूप ही धूप है, वैसे मैं वेट तो कर लूँ पर मैं बाहर खड़ा हूँ, मैंने कहा अंदर क्या बैठना है, बाहर भी धूप है इतनी, कोई छाँव की जगह नहीं नज़र आ रही, तो ये गाड़ियाँ लोगों ने ना सड़क पर ही पार की हुई हैं। कल्टस का भी है ना, मैं ध्यान कम कम ही रख रहा हूँ, मतलब ज़्यादातर इस पर कम्यूनिटी कर रहे हैं, तो इस पर भी इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो मैं लाऊंगा, इसके भी एक दो चीज़ें हैं जो आप लोगों को बतानी है, वो वीडियो में ही बताऊंगा, इसके लिए अलहदा डेडिकेटेड वीडियो जो होगी इंशाल्लाह। उसमें इंतज़ार चाहे 5 मिनट का हो या घंटे का, इंतज़ार इंतज़ार ही होता है तो मैं कल्टस की पावर विंडो से खेल रहा हूँ, तो इसकी आवाज़ का मज़ा ले रहा हूँ, जैसे ये कोई प्रिंटर नहीं होता उस तरह की आवाज़ देता ना। बहुत जल्दी गंदा हो जाता है ये, पता नहीं क्या लग जाता है, वाइट वाइट पसीना होता है ये, पता नहीं क्या ना, ये दाग से बन जाते हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो में साफ भी किए थे कल्टस के, पर ये इसका है कुछ ऐसा ना, इस पे दाग लग जाता है, ये उतर जाता है ये, मतलब वो स्प्रे वाला होता ना। एक बचत हो गई यार, शुक्र है मेरा दिल जो है ना वो बाहर आ ही गया था, और मैंने दरवाजा खोला, ओ भाई साहब मैंने कहा ऑलमोस्ट रगड़ दिए लेकिन बच गए, थोड़ी सी क्लियरेंस है, और ना मैंने जिस तरह से खोला है ना तो ये इसने काम हो ही गया था, इसे लोगों ने रगड़े भी हुए हैं दरवाजे मुझे लगता है यहाँ पे, इनका तो इतना इशू नहीं है, गाड़ी ड्रॉप हो तो फिर मजे हैं, फिर तो आपको ना हर हाल में गाड़ी के दरवाजे है ना वो बड़े ध्यान से खोले। मुश्तबा भाई पहुँच गए हैं रेबो में, मैंने देख लिया, ये आ रही है जनाब, आ जाए जी आ जाए अस्सलाम वालेकुम रेबो 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 होए 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 होए, आप तो फुल ऑफ रोडिंग करते रहे हैं, होए 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 होए, आपका तो जो है फाइबर का जो लिप है वो क्रैक हुआ है,
जबरदस्त हैं फाइबर का लिप क्रैक है आपका, मैंने वीडियो में देखा था आपकी। वो भी तोड़ा है, पिछला बम्पर भी तोड़ा है, जात नहीं तो दोस्त हो जाएंगे। जब से मैं YouTube से गया हूं नजर लगी हुई है इसको। नहीं इंशाल्लाह इसको जल्दी हमने, मैंने ऑडियंस को कहा था रेबो आ रही होगी तो आवाज भी आ रही होगी साथ। मैंने जब मैं साइलेंट मूड में होता ना, जब YouTube के मूड में नहीं होता तो, लेकिन मैंने आपको मैसेज किया, आपने मैसेज नहीं पढ़ा, मसला है। ऑडियंस जो है वो इंतजार कर रही थी कि जो है ना रेबो की। हाँ ये तो खैर कोई नहीं, ये दुल्ही तो फिर इसमें अपना एक चमक आना है, छोटी शहजादी पे जाएंगे। मुस्तफा भाई जो है फुल सिस्टम कर रहे हैं गाड़ी को यहाँ पे, क्योंकि हम खड़ा कर रहे हैं तो ब्लाइंड्स भी लगा दिए हैं और ये फ्रंट वाला शेड भी लगा रहे हैं ताकि धूप से बची रहे। अच्छी चीज़ है यार ये, खासकर जो है ना धूप से डैशबोर्ड बचा रहेगा। हमने जो है ये पेंट वाला गेज भी ले लिया, मुस्तफा भाई के पास था तो इनको आइडिया है इसको कैसे ऑपरेट करना है, आज मुझे भी पता चल जाएगा, मैं अपने लिए भी ले लूँगा ये किस तरह का। मतलब भाई कितने का मिला था ये? ये 4500 का। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, ये स्पॉइलर बड़ा मजा कर रहा है ना। ओहो इसकी जो लुक आ रही है ना, अच्छा वीडियो में वो इतना शायद पता नहीं लगता, लेकिन जो लाइव जो चीज़ लाइव ही है यार, मतलब लाइव गाड़ी भी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ना, ब्लैक कलर ठीक हो गया। इस्लामाबाद नंबर ये तो नहीं है, ये वाली नहीं, इसमें रेड 4507 आर्केक्स और एक से एक। ठीक है जनाब, हमने कॉल्स वगैरह बहुत सारी कर ली हैं, अब जो है तीन बंदों की हमें जो है रिस्पांस आया कि आप गाड़ी आके देख लें। एक सिविक है टर्बो और दो मार्क एक्स हैं, तो अभी पहले हम सिविक टर्बो देखते हैं क्या ख्याल है, और लोकेशन उन्होंने सेंड कर दी, हम अभी वहां पे जाते हैं इंशाल्लाह, गाड़ी आपको चेक करवाते हैं। अल्लाह करे कोई अच्छी बात बन जाए तो पहली डील बन सकती है, पसंद आने की बात है, जरूरी डील हो जाएगी बात, आगे देखते हैं। मुस्तफा भाई पेट्रोल भी भरवाना है तो पेट्रोल पंप कोई है देखें इधर, कोई नजदीक है तो, क्योंकि ये जो है ना एंड पे आई हुई है। रेंज शो करती है ये? हाँ नहीं रेंज नहीं, बस ये इसकी लाइट आ गई है ना, उसके बाद ये इसने चलना है कोई 90-100 किलोमीटर और चल जाएगी 90-100। हमने कौन सा कोई हमने पूरा दिन गुजारा देखी थी ना, मैं यहाँ खड़ी थी इधर देखी थी। ये भी है ना, ये बहुत बुरी लगती है यार मुझे, हम लगा लेते हैं सपनी जो होती है ना, जो स्टॉक टायर की तरह होती है वो लगा लेना तो फिर हम पंक्चर लगवाते हैं। बिल्कुल देते हैं कि ये शक्ल आपको इसकी ऐसा ही है, बिल्कुल एक सेकंड ये नहीं बाहर ही। ओ भाई हाँ जी हाँ जी, इसका 2000 का हो रहा है जनाब फिल, और ताकि हमारे कुछ गाड़ी चल जाए, वैसे चल जाएगी कुछ नहीं है, रेट चल रहा है आजकल 236। 2000 का है जी, 8.5 लीटर मीटर पे देखे बगैर देखे बगैर नहीं नजर पड़ी, बताएं कि कितने सेल आए होंगे, जीरो था। 2000 का डलवाया, 2000 से 2 आए होंगे। ओए 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 करीब है, कुछ शुक्र है इतनी नहीं है कि तीन आ गए जनाब, तीन आ गए बस वो थोड़ा था ना अभी क्या एक जमाना था 2000 में आधी से ऊपर हो जाती थी वो देखे हमने। मैं जो अपनी ऑल्टो थी ना वो पिछली वीडियो देख रहा था, तो 2500 में उसकी मैंने टंकी जो फुल करवाई थी यार, क्या जमाना था, 105 का था आई थिंक ये सर। मुस्तफा भाई कोई समझ आई है गाड़ी? गाड़ी समझ आई है, लिटरली समझ आई है, देखने में गाड़ी बहुत अच्छी थी, एक डेंट के अलावा दरवाजे पे कोई मेजर गाड़ी पे स्क्रैच भी नहीं थी, एक डेंट वो ड्राई डेंट हो जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है हो जाएगा, मतलब गाड़ी जेन्युइन थी, गाड़ी बॉडी वाइज बहुत अच्छी जेन्युइन गाड़ी था।
और चलाई है वजाद भाई ने, कह रहे हैं कि ड्राइव में भी हाँ, ड्राइव भी अच्छी थी, कोई उसमें चीज ऐसी लग नहीं रही, छोटी छोटी मोटी हैं बूट शूट इस तरह के, कोई ना कोई थोड़ा सा थोड़ा स्टीयरिंग मुझे हैवी लग रहा था वैसे, लेकिन वो इंशाल्लाह लगना नहीं चाहिए। ईपीएस है ना, तो डिमांड जो है अब गाड़ियों की डिमांड 34-35 भी है, लेकिन मुझे पता है कि उन गाड़ियों में वो भी हो कितने पीस टच हैं, क्या सीन है क्या नहीं है, गाड़ी मेंटेन लग रही थी अंदर से भी बहुत साफ थी। अभी हमने ये एक ये सिविक देखनी थी, उसके बाद अब मार्क एक्स हम देखने जा रहे हैं, लेट्स सी कि उस पे हमारी बात बनती है वो हमें कैसे भाई लगती। मार्क एक्स की कॉल, मार्क एक्स देखने आ गए हम, खड़ी है तेरी, पहले हम खुद ही देख लेते हैं थोड़ी, ये खड़ी है रूट टू वीटेक, मतलब सिविक जो हम देखे हैं उससे ये रूट है, रूट होती है। चलो तो भाई साहब मार्क एक्स देख भी लिए है, ड्राइव भी कर लिए, देखने से तो पता लग रहा था पूरी जो पुटीन है शावर्ड है वो तो खुद ओनर ने लिखा हुआ था, उनको उन्होंने ली भी ऐसी ही थी, लेकिन गाड़ी में बहुत ज्यादा काम है, मतलब इंतहा का, मतलब एक वो इनको पूरी गाड़ी लेके दोबारा कलर करवानी पड़ेगी जी, क्योंकि पेंट वर्क जैसा हुआ है लगता है प्लस्तर हुई है गाड़ी, बिल्कुल बिल्कुल प्लस्तर हुई है सब, और उतरेगा ऊपर से पुट्टी नहीं उतरेंगे, जंग भी नीचे होगा जो कि नजर आ रहा है, और इतनी भी पुरानी गाड़ी नहीं है कि उसमें जंग पड़ जाए, तो शावर होना माइंड नहीं करते हम, ठीक है प्राइस इस लिहाज से प्राइस भी बहुत ज्यादा है इस लिहाज से, दूसरा इसको फिर रंग करवाने में और इसको अपनी शक्ल में लेके आने के लिए वो जो बॉडी की कंडीशन आप देख रहे हो ढलके कैसे, बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत मुश्किल है उसको उसको सही करना, बॉडी में पूरा उसका ढांचा नया करना पड़ेगा फिर बात है, तो इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे, बस हमने इसको चला के चेक कर लिया, चलने में ठीक थी मतलब ओके हो गई थी, मतलब काम कराया 5-10 में से 5 नंबर थे चलती बचे, चल बस भागने में तो 20 अभी नेक्स्ट जगह तोड़नी है ना, डीलिंग चल रही है अब फाइनल यही कर लेता हूं, बड़ी मेहरबानी होगी भाई की, भाई सर इतना कर रहे हैं, भाई मान जाएंगे, लेकिन अगर आपका मुश्किल हो रहा है तो मैं वो हट दर्मी और स्टब बोन वाला काम नहीं करूंगा, बार आपको कॉलें करता हूं कन्विंस करने के लिए, मेरा वो मिजाज नहीं है डील करने का, मैं जितनी मतलब के खुल के ऑफर दे सकता हूं वो भाई को ऑफर दे रहा हूं कि इतने में कर ले, तो अभी आप जैसे कहेंगे वैसे जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेमेंट आप कहेंगे वो कर लेंगे, मेरा गला बैठ के बोल बोल के आखिरकार जो है वो थोड़ी सी हमारी डील बनी है, अब देखते हैं कि क्या सीन बनता है गाड़ी ऑलमोस्ट 99% अभी डील देखते हैं क्या सीन बनता है, लेकिन एक बात है कि मुश्तबा भाई जो है ना वो डीलिंग में माहिर हैं, सही मंजे हुए, मतलब इतनी गाड़ियां नहीं है आप तो भाई अब ये कारोबार ही कर सकते हैं, फुल, फुल गंदा काम है यार कसम से, मैं अपनी गाड़ी लेता हूं मुझे ये सही बात है, मतलब थक जाता है, मतलब मेंटली मेंटली थक जाता है, अब मेरी एक मिजाज तो नहीं अभ्यास करना, मैंने तो कभी किसी चीज के लिए निगोशिएशन की नहीं, लेकिन अब पता है कि यार जिस चीज की इतनी वर्थ है इससे ऊपर लेना फजूल है, तो उसके लिए आपको गला फाड़ना, बिल्कुल जितनी ढूंढनी थी ढूंढ ली, अभी कुछ समझ नहीं आ रही उस पर भी, कोई फाइनल नहीं बना, वैसे गाड़ी पसंद है लेकिन ओनर से कोई खास, अभी ओनर थोड़ा सा आगे डिले कर रहा है, तो इस वजह से हमने कहा कुछ और सर्च कर लेते हैं, तो काफी देर होगी, तो इसलिए अभी सोचा कि यार कुछ खा पी लिया जाए, तो छली खड़ा है, मुश्तबा भाई कह रहे हैं कि उबली हुई छली हो तो वो खाएं, चली देना जरा, खत्म हो गया, खत्म ले यार, मुश्तबा भाई कोई नहीं, किस्मत अच्छी नहीं है, खत्म है, मरकज चल ये 2-3 दिन वाला सब्र नहीं आता, तो गाड़ी ये अगर पूरी जब मेरे पास हर चीज कैश है मैं आज लेने को तैयार हूँ, तो अगला जो सेलर है वो क्यों डिले करे, तो आपको एड ही लगाना चाहिए, चली रेत वाला चली, रेत वाला चली, तो अभी खाएंगे ना, हाँ खाएंगे क्यों नहीं, मैं 2000 अच्छी सी निकाल दो, कितने का है, ये अच्छी वैसे गाड़ी में खाना असूलन जो है वो मना है, बाहर बैठ खाते हैं, तो ये देखे मैंने क्या किया, मैं खुद जो है गाड़ी में हम खाएं ना, गाड़ी में हाँ अलांट्रा बहुत प्यारी लगती है, बहुत दिल आता है उसमें, किसको सुनाता था अलांट्रा, अलांट्रा सुलांट्रा जी ने नहीं है बजट उसको देखता नहीं मैंने, ये क्या है सॉफ्ट पैडिंग है, हाँ फैब्रिक है,
इसकी जो अच्छी है, बहुत अच्छी है इसकी। ये मैं पहली बार जब बैठा था ना इसमें, ये डोर है ना सही हैवी है। हाँ भारी है, ये चीज है। एलांट्रा मुझे बहुत पसंद है यार, पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद, दिल आ जाता है मेरा एक बार जब भी मैं यहाँ आता हूँ। बाहर के लोग, इंटीरियर के लोग, मुझे इसकी बहुत पसंद है। और ये देख तो आए, गाड़ी बहुत प्यारी है, बहुत रिजिड। एक ही बात है कि टफ गाड़ी, बूम पैसा है यार, बूम पैसा। 57 नाम 54 होती है कोई 57 बहुत, और वो भी 57 के अलावा 3 लाख ऊपर। मतलब मैं आपको ये बताऊं कि गाड़ी 57 में समझ आती है, अगर ये गाड़ी लॉन्च इसी प्राइस में होती ना तो फिर समझ आती है। अब हमें ये पता है कि यार साल पहले ये गाड़ी 43 की, छह महीने पहले आता था ये मिल रही थी, तो उल्टा 10-15 लाख रुपया खाम खा, कोई चीज ऐड तो नहीं हुई ना, गाड़ी तो वही है। आखिर काफी घंटों की जो है तलाश के बाद वही सिविक की दिल को लगी है, फिर वो लेट वाली बात है, अभी कुछ फाइनल नहीं है, सोचना है, सब्र है, अगर सब्र कर सकता हूँ वो हो जाएगी। उसको ना इग्नोर कर देना, हाँ यार शाम को उसको फोन मार के बोलेंगे कि हम कल आएंगे। नहीं सब्र है, सब्र है, तो अगर हो गया तो मेरा, मैं भी शायद मैं जो हूँ ना बस अल्लाह का फजल है। ये बंदा शक्ल से जितना शरीफ लगा था ना कि यार इसको जो बोलोगे वो कर लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी भाई साहब को कीड़ा आया मेरी तरह और कीड़ा हमें मरवा देता है, हम दोनों भाइयों को। नहीं, तो मैं सफर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि परसों तक सफर कर जाए, कोई बात नहीं, गाड़ी हमने यही लेनी है, अब देखिए क्या होता है। अभी चलते हैं हम भी घर, और क्योंकि थक चुके हैं, मुश्तबा भाई जा रहे हैं, पीछे रिबॉन जा रही है, और मैं भी अपने घर की तरफ रवाना होता हूँ। देखते हैं, थोड़ा सोचता हूँ इस बारे में, डिसीजन लेने में कुछ जल्दी नहीं करनी चाहिए। सुबह आया था तो इधर इतना भी रश नहीं था, मैंने आपको बताया, और रेबो वो जा रही है। एक बार आप लोगों को जो है रेबो की आवाज सुना दें, पीछे आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे बिल्कुल करीब जो है वो पर्जो का जो है शोरूम है, तो मैंने वैसे बाहर से तो पर्जो देखी है 2008 जो है वो, लेकिन एक्चुअली उसको मैंने चेक नहीं किया, तो मैं सोचा कि लगे आता है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो लेट्स सी कि गाड़ी ये कैसी है। तो ये अपारा में इनका शोरूम है, तो मैं अभी इसको चेक करता हूँ। ये रहा इनका शोरूम जनाब, नया ही बने, चलो ये एंट्रेंस है, लेट्स सी गाड़ी। इसका क्या नाम है? पर्जो 2008 और वेरिएंट इसका एक्टिव है। एक्टिव, अच्छा। वो वाला जो है दैट्स पर्जो 2008 इस एलियोर। एलियोर ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इसमें ये जो फिन्स का फर्क है ना, फिन्स और ये ग्रिल का, सनरूफ है और इसमें सनरूफ नहीं है। ये जी पर्जो 2008, क्या ख्याल है इसके बारे में? सनरूफ इसकी है और अच्छा, ये भी इसके साथ है, सीट बेल्ट किसने बांध ली है, इसका डिजिटल मीटर है काफ़ी खूबसूरत किस्म का, अच्छी इसकी फ्यूचरिस्टिक सी लुक है, लैम्बोर्गिनी स्टाइल इसके बटन्स हैं, स्टेयरिंग भी काफ़ी जो है ना डिफरेंट किस्म का, ओवल शेप है, डिफरेंट गाड़ी है, ये भी कंसिडर की जा सकती है, आप लोग मशवरा दें। अच्छा पर्जो के बारे में क्या ख्याल है कमेंट्स में मुझे बताएं, कमेंट्स में बताएंगे तो हो सकता है, मुझे कुछ व्यूअर्स कह रहे थे कि पर्जो की तरफ जाएं, लेकिन पर्जो में कोई मॉडिफाई क्या मैं करूँगा, वो तो फिर स्टॉक ही अच्छी लगी, स्टॉक ही सब कुछ रखना पड़ेगा, उसी तरह जिस तरह सिटी रखी है, स्टॉक एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँ तो, क्योंकि लेकिन इस बार मेरा प्लान कुछ और है ना। आज फिर से सेकेंड डे है और गाड़ी सर्च करने का आज फोर्थ डे है, और अभी मैं एक देखने जा रहा हूँ मार्क एक्स, और वो मुझे एक फ्रेंड ने रिकमेंड की है, उनके मुताबिक बड़ी जेन्युइन गाड़ी है, लेकिन अभी मैं जा के चेक करूँगा उसको, थोड़ा सा ड्राइव करके चेक कर लूँगा कि वाकई वो इस कंडीशन में है, 250G है या 300G है, ये अभी आप लोगों को नहीं बताऊँगा, और फाइनल क्या होता है ये भी बाद में ही आपको पता चलेगा, अभी तो खुद मैं देखने जा रहा हूँ कि वो कैसी है। छुट्टी का टाइम है ना, तकरीबन 2 बजने वाले हैं, एक तकरीबन 1:30 हो रहा है और 2 बजने वाले हैं, तो काफ़ी जो है ना यहाँ पे रश हो चुका है हाईवे पे, हालांकि हाईवे है तो यहाँ पे बंदा स्पीड जो है वो अभी बिल्कुल कर ही नहीं सकता स्पीडिंग। तो तकरीबन मैं डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाला हूँ, इधर करीब करीब ही है। अब ये मार्की है, मार्क एक्स, चलें देखते हैं इसको।
अब या तो इसकी एक साइड ज्यादा धूप पे खड़ी रही है, इस तरह का सीन लग रहा है। तो गाड़ी जो आप मैं देख आया हूँ, वीडियो भी आप लोगों ने देखी है छोटी सी, थोड़ा मुझे गाड़ी पे शक हो रहा है। हालांकि ओनर कह रहा है कि जेन्युइन है, टोटल रिपेंटेड नहीं है, लेकिन शक जो होता है वो जो है ना आपको कोई चीज़ लेने नहीं देता जब तक वो शक क्लियर नहीं होगा। एक्चुअली वो गाड़ी के ना थोड़े पेड़ में फ़र्क आ रहा है, जो डिग्गी है और उसकी साइड, तो बिल्कुल वाज़े फ़र्क पता लग रहा है, एक बिल्कुल वाइट है और एक थोड़ा पीला हो रहा है, तो उस पर थोड़ा डाउट जा रहा है। आज मैं गेज नहीं लाया, जैसे मुश्तबा भाई के पास गेज था, सीलें वगैरह इसकी ओके थी, गाड़ी चलने में बेहतरीन थी। सिर्फ ये सीन है, ये थोड़ा क्लियर हो जाए तो बाकी अगर शावर, मतलब ऑब्वियसली एक जेन्युइन चीज़ हो तो उसमें उसके फिर जेन्युइन पैसे बनते हैं, अगर शावर है तो फिर उसके जेन्युइन वाले पैसे नहीं बनते, सिर्फ इतना सा होता है वो, बाकी कोई मामला नहीं। खैर अभी वो हमने डिस्कस करना है, देखते हैं कि इसका क्या सीन बनता है, इस पर हमारा मूड बनेगा कि नहीं बनेगा, डील बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी। इसकी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।